हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और क्या इनकी इम्पोर्टेंट डेट है, क्या एज की लिमिट रहेगी, एग्ज़ाम डेट कब का रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, वो सभी डिस्कस हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखते रहिए कि नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है। तो आज का नोटिफिकेशन है, सबसे पहले ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग डेट 21/10 से स्टार्ट है और लास्ट डेट 30 नवंबर, यानी कि ये तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट हुई लास्ट, और चालान की लास्ट डेट 30/11 की। तो ऑनलाइन फॉर्म 21/10 से लेकर 30/11 तक भरी जाएंगी। अब ये फीस डिटेल है, जनरल वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन OBC NCLT की फीस है ₹650 और SC और ST के लिए ₹500 फीस है। इसके बाद आपकी एग्जामिनेशन डिटेल है, एग्ज़ाम जैसे कि पहले करेक्शन डेट है, करेक्शन डेट आपकी 2/12 से लेकर 6/12/2022 तक होगी। एडमिट कार्ड NTA की वेबसाइट पर होंगी जारी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 जनवरी 2023। एग्ज़ाम ड्यूरेशन यानी कि क्लास 6 के लिए 150 मिनट और क्लास 9 के लिए 180 मिनट। इसके बाद एग्ज़ाम यानी कि टाइम रहेगा 2 बजे से लेकर 4:30 के लिए और 9th क्लास के लिए 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। एग्ज़ाम सेंटर जो भी होगा आपके जैसे कि एडमिट कार्ड के अनुसार। इसके बाद आपकी जैसे कि ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म की वेबसाइट है AISSEE.NIC.IN पर। NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एज लिमिट 1 हेल्प डेस्क नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन पर कॉल कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। इसके बाद हम एज लिमिट के बारे में, ये एडमिशन 6 और 9 के लिए है और एज लिमिट क्या है इस बार वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये सीट रिजर्व है 60% 40। अब ये है हमारी सैनिक स्कूल 2023-24 के लिए ये, और क्या अप्रूव यानी कि 6 क्लास ओनली 23-24। इसके बाद है एलिजिबिलिटी, क्लास 6 के लिए आपकी एज 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में होनी चाहिए 31 मार्च 2023 को, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद क्लास 6 में जैसे कि शुड बी बोर्न यानी 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के लिए, एज बिटवीन 10 से 12 जो भी है आपकी ये बता दिया, दोनों के बीच में आपकी एज लिमिट है। रिजर्वेशन है ये जो भी है आपका। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा 6 क्लास के लिए, कैंडिडेट यन 13 लैंग्वेज होती है, कोई भी आप इसमें चॉइस कर सकते हो। मिनिमम 25% इन ईच सेक्शन एंड 40% इन एग्रीगेट, ये इनकी कंडीशन है पास होने के लिए। इसके बाद आपकी एज लिमिट हो चुकी है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं हम कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और क्या इसका सिलेबस है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आपको ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये कंप्लीट डिटेल मैंने पहले से इम्पोर्टेंट डेट बता दी है कि फॉरम स्टार्टिंग 21/10 से लेकर 30/11 तक है, 30/11 लास्ट डेट है, 2/12 से इनके करेक्शन डेट हैं और 8 जनवरी 2023 को इनका रिटर्न एग्ज़ाम है। ये ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जैसे 6 और 9 के लिए मैंने 150 मिनट 6 के लिए, 180 मिनट 9 के लिए, ये इनका टाइम है। सीम ऑफ एग्जामिनेशन OMR शीट होगा पेपर बोथ क्लास 6 और 9 के लिए। ये
सिक्स क्लास के लिए पैटर्न है, जैसे कि सेक्शन ए लैंग्वेज है, टॉपिक ए लैंग्वेज 25 क्वेश्चन है और ए प्रत्येक क्वेश्चन है आपका 2 मार्क के टोटल मिलाकर 25 नंबर। मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है और 150 नंबर के टोटल मार्क्स। इंटेलिजेंस के आपके 25 क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। इसके बाद जीके के है 25 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसे 125 क्वेश्चन मिलेंगे और 300 नंबर का ये पेपर होगा। 9th स्टैंडर्ड के लिए आपको मैथमेटिक्स होगा जो 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपका 200 नंबर के टोटल मार्क होंगे। 25 क्वेश्चन इंटेलिजेंस के 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, 50 नंबर की इंग्लिश जी एसएस साइंस से भी 25-25 क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर का प्रत्येक। इस प्रकार कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होंगे और 400 नंबर का ये पेपर होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि 6th क्लास का आपको बता दिए ये लैंग्वेज होंगे जिसमें आप एग्जाम दे सकते हो और 9th क्लास के लिए इंग्लिश ओनली पेपर होगा। सिलेबस है वो कंप्लीट ये दे रखा है, सिलेबस जैसे नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक मिल जाएगी वहाँ पर जाकर आप सिलेबस भी चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।